अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू फरहीन कुकिंग्स फॉर यू यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आपके लिए व्हाइट सॉस पास्ता की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिसे हम बहुत ही सिंपल और इजी तरीके से बनाएंगे। तो ये मैंने एक कप पास्ता लिया है, इसको हमें बॉईल कर लेना है। तो पानी मैंने रख दिया था गर्म होने के लिए, तो ये सारा पास्ता हम पानी में डाल देंगे। और इसके बाद हम इसमें ये 1 टीस्पून नमक ऐड कर देंगे, और इसी के साथ ही हम इसमें ये 1 टीस्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर देंगे। तो इसे हमें सॉफ्ट होने तक बॉईल कर लेना है। तो इसमें एक बार हम चम्मच चला देंगे और फिर इसकी लीड बंद करके हम इसे मीडियम फ्लेम पर बॉईल कर लेंगे। तो पास्ते को बॉईल होते हुए तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं, तो इसे हम चेक कर लेते हैं। तो ये देखिए, पास्ता हमारा सॉफ्ट हो चुका है। इसे इस तरह से दबाने से ये आसानी से टूट रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये अच्छी तरह से बॉईल हो चुका है। तो बस इतना ही हमें इसे पकाना है, बहुत ज़्यादा पकाकर इसे बहुत ज़्यादा सॉफ्ट नहीं करना है। तो अभी हम पास्ते को छान कर निकाल लेंगे पानी से। तो ये देखिए, सारा पास्ता मैंने पानी से छान कर निकाल लिया है, और इसे हमें एक दफ़ा ठंडे पानी से वॉश भी कर लेना है। तो इसे एक बार ठंडे पानी से वॉश करने से ये जो पास्ता है वो चिपचिपा नहीं रहेगा, वो एक दूसरे से जुड़ेगा नहीं। तो अब हम बढ़ते हैं इसकी आगे की प्रोसेस की तरफ। तो कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा बटर मेल्ट कर लिया है, तो अब हम इसमें 3 से 4 कली लहसुन चॉप किया हुआ ऐड कर देंगे। तो इसे हमें बस हल्का सा भूनना है। इसे हल्का सा भूनने के बाद हम इसमें ये प्याज ऐड कर देंगे, जिसको मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। और जैसे ही ये प्याज हल्की सी सॉफ्ट हो जाएगी, तो इसमें हम ये शिमला मिर्च ऐड कर देंगे। तो इसको भी मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में काट लिया है। तो ये एक बड़ी साइज़ की शिमला मिर्च मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। इसे भी हमें हल्का सा सॉफ्ट होने तक पका लेना है। आप इसमें कुछ सब्जियाँ और भी ऐड कर सकते हैं, जैसे कि कॉर्न सीड्स और गाजर। तो ये सारी सब्जियाँ आप डालना चाहते हैं तो आप ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैं सिर्फ इसमें शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। तो देखिए, ये सॉफ्ट हो गई है, तो इसे हम एक प्लेट में निकाल लेंगे। और इसके बाद देखिए, ये सेम कढ़ाई में मैंने थोड़ा सा बटर और ऐड कर दिया है। तो ये जैसे ही मेल्ट हो जाएगा, तो इसमें हम 2 से 2.5 चम्मच मैदा ऐड कर देंगे, जो कि हमने छान कर लिया है। तो एक एक चम्मच करके मैं इसमें मैदा ऐड कर रही हूँ, और इसे हमें चम्मच लगातार चलाते हुए अच्छे से भून लेना है। तो टोटल इसमें मैंने 2.5 चम्मच मैदा ऐड किया है। तो इसमें हमें हल्का सा ब्राउन कलर आने तक इसे अच्छे से भूनना है। गैस की फ्लेम मैंने लो रखी है, लो फ्लेम पर हमें इसे लगातार चम्मच चलाते हुए भूनते जाना है, जब तक कि इसमें लाइट सा गोल्डन कलर नहीं आ जाता। तो ये देखिए, मैदा हमारा भून चुका है, इसमें से हल्की हल्की खुशबू भी आने लगी है। तो इसमें अब हम ये दूध ऐड करेंगे, जो कि मैंने 2 कप इसमें ऐड किया है। तो इसमें हम थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करते जाएंगे और इसे अच्छे से मिक्स करते जाएंगे। और इस सारे प्रोसेस में हमें गैस की फ्लेम को लो ही रखना है। तो जब तक ये लम्स फ्री नहीं हो जाता, इसे हमें अच्छे से मिक्स करते जाना है। देखिए, अब ये अच्छे से मिक्स हो चुका है और इसमें बिल्कुल भी लम्स नज़र नहीं आ रहे हैं। और देखिए, इस तरह की बिल्कुल इसकी कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। तो अब हम इसमें कुछ चीज़ें ऐड करेंगे। तो जैसे कि ये मैं इसमें ऐड कर रही हूँ ब्लैक पेपर पाउडर 1 टीस्पून, यानी कि पिसी हुई काली मिर्च का पाउडर। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे ऑरिगेनो 1/2 टीस्पून, और अगली चीज़ जो इसमें जाएगी वो है चिली फ्लेक्स, जो हम इसमें 1 टीस्पून ऐड करेंगे। आप कुटी हुई लाल मिर्च भी इसमें ऐड कर सकते हैं, लेकिन लाल मिर्च का पाउडर हमें इसमें ऐड नहीं करना है। और इसके बाद हम इसमें ये टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक ऐड कर देंगे और मिक्स कर लेंगे इसे अच्छे से। और इसके बाद देखिए, जो हमने शिमला मिर्च और प्याज को फ्राई कर लिया था, तो वो अब हम इसमें ऐड कर देंगे। तो इसे ऐड करने के बाद अब इसमें हम पास्ता ऐड करेंगे। तो ये लीजिए, पास्ता हमने इसमें ऐड कर दिया। अब हम इसे मिक्स कर लेना है अच्छे से, और फिर बस 2 मिनट में पास्ता हमारा रेडी है, आप इसे सर्व कर सकते हैं। तो उम्मीद करती हूँ आपको आज की ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, इसे शेयर करें, और चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये हमारे लिए इनाम है आपकी तरफ से मिलने वाला, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। तो फरहीन को दीजिए इजाजत, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफिज़।